नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल राज मोबाइल सॉल्यूशन में। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको MRT का जो मैंने 3.62 का क्रैक बनाया था, तो मैं उसका अपडेट आपको दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन से मॉडल ऐड किए गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि MRT में 6.62 में कौन सा अपडेट दिया गया है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ये MRT का जो क्रैक है दोस्तों, इसको मैं पब्लिश करूंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है दोस्तों, पब्लिश कर दूंगा मैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि जिन भाइयों के पास MRT का डोंगल होगा, MRT डोंगल, तो वो भाई शायद ना जानते हों कि MRT ने क्या अपडेट दिया है, तो इस वजह से उनको भी ये शेयर कर दो और उन्हें भी मालूम हो जाए कि MRT में कौन कौन से मॉडलों की अपडेट आ चुकी है दोस्तों। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूंगा कि मैंने अपनी PC में MRT का डोंगल कनेक्ट नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, और यहाँ पर एक ई ड्राइव है, अदर कोई ड्राइव नहीं है दोस्तों। क्योंकि काफ़ी लोग बाद में कमेंट करके ये बोलते हैं कि MRT कनेक्ट हुआ हो, तो उसके बाद ओपन हुआ, MRT कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं मैंने MRT का जो लोडर बनाया है 3.62 का, तो यहाँ पे एक ये देखो एरर आया है, इसे ओके करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई डोंगल वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे कि मैं आपको मॉडल चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ओप्पो में A3A और A5S, और उसके बाद A33, ये काफ़ी मॉडल्स ओप्पो में एडिट किए गए हैं दोस्तों, सभी देख लें आप। अब अगर आपके पास में MRT डोंगल है तो आप खुद ही देख लेंगे, फ़िलहाल मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ जो मेन मॉडल ऐड किए गए हैं। वीवो में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे वीवो S1 Pro, अभी मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, S1 Pro MMC, S1 Pro UFS, जो कि दोस्तों इसके 1,000 रुपये 1,500 रुपये अनलॉकिंग के लिए जा रहे थे, तो वो मॉडल इसमें ऐड कर दिए गए हैं। Vivo Y 11, 12, 19, Vivo Y 17 Pro, 15 Pro, दोस्तों ये काफ़ी मॉडल्स जो लेटेस्ट मॉडल थे, ऑनलाइन अनलॉक होते थे, वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 17 Pro, तो दोस्तों ये काफ़ी मॉडल इसमें Z1, Z1X, जो ऑनलाइन अनलॉकिंग वाले मॉडल्स थे, वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। और सभी मॉडल मैंने आपको बारी बारी से चेक करा दिए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उसके बाद MI में आते हैं दोस्तों, Xiaomi में, तो यहाँ पर आप देखेंगे Xiaomi, तो यहाँ पर Xiaomi में दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि Xiaomi में कौन से लेटेस्ट मॉडल इसमें ऐड किए गए हैं जो हमारा ऑनलाइन अनलॉक होता था। एक तो इसमें अनलॉक किया गया है Redmi 6, जो ऑनलाइन अनलॉक होता था दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, ऊपर देख सकते हैं आप S2 के ऊपर 6A है, जो ये आप देख सकते हैं निकल गया, मैं अभी आपको दोबारा से फिर दिखाऊँगा। अभी मैं ऊपर से मैं चेक करने के बाद में सभी टैब मैं आपको दोबारा से दिखाऊँगा, 6A और Xiaomi 6, मैं दूसरा टैब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, वो भी दिखाऊंगा दोस्तों, अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद अदर मोबाइल यहाँ से आप सिलेक्ट करके और उनको अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं दोस्तों, रीड इन्फो कर सकते हैं, और ये QC टूल है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है MRT ने दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें दोस्तों। तो दोस्तों QC टूल आपने देख लिया, उसके बाद दोस्तों मैं आपको Xiaomi टूल दोबारा से दिखाऊंगा मैं,
देखिए Xiaomi टूल में मैं आपको यहाँ पे जो 6A मॉडल है Xiaomi का जो ऑनलाइन अनलॉक होता था दोस्तों, और 6 मॉडल वो इसमें ऐड किया गया है। तो इसी वजह से मैं दोबारा ये टैब आपको ओपन करूँगा जिससे कि दोस्तों आपको मालूम हो जाए कि 6A ऑनलाइन वाला जो मोबाइल था ये आप देख सकते हैं 6A मॉडल है दोस्तों, S2 के ऊपर है जो ये 6A मॉडल है। तो दोस्तों आपको मालूम चल पाए कि ये ऑफलाइन हो चुका है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।